खरौंदी थाना अंतर्गत सिसरी कस्तूबरा आवासीय विद्यालय के समीप जल नल योजना के तहत बनने वाली पानी टंकी निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मौत हो गई। मजदूर लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर कार्य कर रहा था, वहीं से गिर गया। मजदूर की पहचान सिसरी दामर निवासी 44 वर्ष सोमारू बैठा के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीण एवं प्रखंड प्रतिनिधि मुआवजा की मांग को लेकर घटना स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय ग्रामीण सहित जन प्रतिनिधि घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। साथ ही खरौंदी थाना प्रभारी अभय कुमार, एएसआई सुनील सिंह, सुखराम उरांव दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक सोमराव बैठा का पंचनामा किया। मृतक मजदूर की पत्नी तथा पति ने बताया कि सोमराव बैठा मजदूरी कर घर परिवार के लोगों का पालन करता था। सिसरी कस्तूबरा विद्यालय के समीप जल नल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त टंकी में सोमारू बैठा एक सप्ताह से नियमित मजदूरी करता था। गुरुवार की सुबह सोमारू बैठा टंकी में काम करने लगभग 80 फीट ऊंचाई पर गया। टंकी निर्माण में सेफ्टी बेल्ट लगाकर काम करता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों तथा प्रखंड जन प्रतिनिधि घटना स्थल पर मुआवजा के लिए 11 बजे से धरना पर बैठ गए। घटना की जानकारी पाकर प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक, उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, पंचायत के मुखिया महेंद्र सा, शंभु प्रसाद श्रीवास्तव, अभय कुमार सिन्हा सहित दर्जनों ग्रामीण घटना स्थल पर धरने पर बैठे रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।